In this question, it is told that Ramesh completes a video game scoring 1200 points in the first round. Then he lost 200 points in the second round. And in the third round, he scored 1500. We have to calculate his total points. So see here, first round 1200. In the second round, he scored minus 200, means he lost. Okay, that is why you have to put here minus 200. And in the third round, he scored 1500. So if you add these stuffs, then you will get the answer. The 1200 plus minus 200 plus minus minus. So your answer will be 1000. From 1200, you have to subtract this 200 loss. Okay, so your answer will be 1000. And with 1000, you have to add 1500. Your answer will be 2500 total points. Okay, next question. A lift descends inside a mine at 13 meter per minute. If the lift starts from 20 meter above of the ground level, then how much time it will take to descend 240 meter depth, minus 240 meter depth. Okay, so actually the question, you read the question and try to find out its meaning. Ek lift jo mine ke andar jo खान होता है ना, खान होता है, खान के अंदर वो लिफ्ट नीचे जाता है, ठीक है, उसका स्पीड है 13 मीटर पर मिनट और वो ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर में है। देखिए ये मैंने पिक्चर में ड्राइंग किया है, यहाँ पे एक लिफ्ट मैन है इसके अंदर जो लिफ्ट मैन ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर में है और इसे नीचे आना होगा, ठीक है, इसे आना होगा नीचे, एकदम नीचे आना होगा। तो नीचे आने कितना आ जाएगा, नीचे टू माइनस 240 मीटर नीचे आ जाएगा, देखिए माइनस 240, लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसका प्लस बना लो, नीचे आ रहा है लेकिन 240 माइनस वैल्यू ऑफ माइनस 240 इक्वल 240 एब्सोल्यूट, अब इसका माइनस में साइन मत लेना, मॉड्यूलस के आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, देखो मॉड्यूलस का ग्राउंड लेवल से नीचे 240 मीटर डिस्टेंस और ग्राउंड लेवल से ऊपर 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल कुल मिला के डिस्टेंस कितना होगा, 240 बताइए, डिस्टेंस और ऊपर का 20 डिस्टेंस, टोटल ऊपर में है 20 मीटर और नीचे है 240 मीटर, टोटल कुल मिला के होगा 20 प्लस 240 मीटर, टोटल डिस्टेंस आ गया 260 मीटर। शुरू में ही बता दिया 13 बता दिया मिनट, स्पीड बता दिया कि 13 मीटर पर मिनट्स, लिफ्ट 13 मीटर पर मिनट स्पीड मतलब क्या है, माइन शाफ्ट एक मिनट के अंदर ये 30 मीटर 13 मीटर नीचे जा सकता है, स्पीड इज हियर 30 मीटर पर डिस्टेंस पता है आपको, तो व्हाट शुड बी टाइम और इसका डिस्टेंस स्पीड पता है आपको 13, डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू 260 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 20 मीटर 20 मिनट सॉरी 20 मिनट एक्चुअली यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे इज लिसन और सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। अबव द ग्राउंड 20 मीटर, बिलो द ग्राउंड 240 मीटर, टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 240 इज इक्वल टू 260 मीटर, तो एंड स्पीड गिवन 13 मीटर पर मिनट, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड स्पीड, तो 260 को 13 से डिवाइड कर देंगे 20 मिनट आंसर आ जाएगा, यही आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, और यही है इसका सॉल्व करने का तरीका। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छी तरह से ये करके रखना, प्रैक्टिस करके रखना, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं जब दूंगा तो इसे इस तरह ही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं ये ए शॉपकीपर गेन्ड ₹5 आफ्टर सेलिंग नोटबुक एंड ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹1 आफ्टर सेलिंग 1 ओल्ड पेन। In a month, he gained ₹185 when he sold 75 old pens. Then how many notebook did he sell on that month? So, question में बता रहा है कि इस question में ये बताया कि एक जो shopkeeper है उसका एक notebook बेचने के बाद वो ₹5 मुनाफा करते हैं, ठीक है, तो मतलब profit करते हैं, तो मान लिया मैंने वो एक notebook बेचा था तो 5x होगा उसका टोटल मुनाफा, एक्स नोटबुक बेच के 5x आएगा और 75 नोटबुक बेच के उसका सॉरी 75 ओल्ड पेन बेच के उसका ₹1 करके लॉस होता है, तो आप प्रॉफिट से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो 5x से 75 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसका टोटल नेट जो प्रॉफिट हुआ था 185 वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आया 52, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने किस तरह किया है, लेट द शॉपकीपर सोल्ड एक्स नोटबुक,
In each notebook, he gains a profit of rupees 5. So his total profit 5x. 5 into x is equal to 5x. तो उसके बाद उसका लॉस होता है एक ओल्ड पेन बेच के एक रुपया, ठीक है। तो ही इनकर्ड लॉस रुपीज 1 इन ईच ओल्ड पेन। ही सोल्ड 75 ओल्ड पेन इज इक्वल टू, टोटल लॉस कितना होगा, 75 इंटू 1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो ये जो प्रॉफिट हुआ था 5x, उनमें से 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बता दिया बुक में कि 185 उसका टोटल मुनाफा हुआ है। तो 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 185, ये माइनस 75 उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 260 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 260 अपॉन 5, वो जो 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड में डिवाइड, तो आंसर 52 आ गया। तो इस तरह आप कीजिए इस सवाल को।